हे गाइस, गुड मॉर्निंग यार। कल रात को तो बहुत मस्त नींद आई इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद। तो चलिए देखते हैं व्हाट्स आवर मॉर्निंग व्यू एंड व्हाट वी वोक अप विद। ओह माय गॉड, वाह नाइस। सभी धूप इधर नहीं आई है लेकिन पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी चमक रही है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लेट मी जूम आउट। हाँ ये देखें, सब मेरे हिसाब से पहाड़ के उस साइड पे धूप है, इधर आएगी थोड़ी देर में। बट ये वैली व्यू तो बहुत ही ऑसम है। फल भी सो रही हैं अभी तक, इनको जगाते हैं। सुबह का 5:45 हुआ है। अरे लड़की, अरे लड़की, बाहर तो देखो नज़ारा। अपना पहला वर्केशन डे और तुम सो रही हो। उठो, देखो 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 देखो, उठो। ठंडी, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। नदी की आवाज आ रही होगी। सामने एक छोटा सा झरना भी है, पता नहीं आपको दिखेगा ये। चलिए आज का प्लान करना है हम लोगों को। पल्लवी उठ गई। स्नो कैप माउंटेन दिख रहा है, कैमरे में इतना अच्छे से नहीं आ रहा है बट हम लोग को यहाँ से पूरा विजिबल हो रहा है। अभी तो लाइक गर्मी की सीज़न है, ज़्यादा ठंड नहीं है। इट्स लाइक 15-18 डिग्री सेल्सियस तो बियरेबल है, लेकिन अगर आप शायद जैन और फेब में आओ तो आपको शायद पूरा बर्फ़ से ढका हो बाकी माउंटेन्स भी। तो कोई नहीं, थोड़ा सा तो झलक मिल ही गया है बर्फ़ का। अभी देखते हैं रोहतांग पास में बर्फ़ मिलती है कि नहीं। तो ये देखिए इन लोग के बीच झगड़ा हो रहा है। और कितने अच्छे 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 क्वालिटी का डॉग है, लुक्स लाइक स्ट्रीट डॉग्स है, लेकिन आपका उनका बिल देखिए। सो हे गाइस, सो गाइस अभी हम लोग नहा धो के नीचे आए हैं। पिक्सी को सुसु पॉटी करा रहे हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। तो पिक्सी को बहुत यहाँ पे फ्रेंड्स मिल गए हैं, तो आपको दिखाती हूँ कि उन लोग का मिलन कैसे हो रहा है। हाय हाय। तो ये है पिक्सी। पिक्सी अभी बहुत सारे फ्रेंड्स से मिली और अभी वो एक्सप्लोर कर रही है प्लेस को। तो ये है हम लोग का प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग अभी रुके हुए हैं, स्नो क्रेस्ट मेनोर। ये हमने वर्केशंस जो वेबसाइट है उनके थ्रू बुक किया है। बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, ये उनका एंट्रेंस है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन लोग का अपना पार्किंग एरिया है, विच इज़ गुड। ये है इनका ओपन स्पेस इस प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे हम लोग अभी बैठेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, तो आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ। ये रहा हम लोग का ब्रेकफास्ट। सो इनके यहाँ ब्रेकफास्ट ऑप्शन में पोहा था और छोले भटूरे और सैंडविच। ऑमलेट के लिए पूछा तो बोले कि अंडे ख़त्म हो गए, तो लुक्स लाइक वी आर लेट, 9 बज गया है। तो चलिए
इसको अभी फटाफट ख़त्म करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। जुगनी फॉल्स सोच रहे हैं तो वहाँ जाते हैं और उसके बाद सोलांग वैली। वैसे तो कर्फ्यू एक्सटेंड हो गया है यहाँ पर 14 तारीख तक, बट शॉप्स एंड ऑल ओपन है 2 बजे तक। एंड मोस्टली मनाली के बाहर है जो भी बॉर्डर चेक पोस्ट लगे हुए हैं, सो वी विल गो अराउंड इनसाइड मनाली, देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर। बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है, बहुत पीसफुल है और इसी व्यू के लिए तो हम लोग आए हैं घर से बाहर। तो ये देखिए, ये है रोपवे एंड स्काई सेंटर, तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है और आप ऊपर जा सकते हैं, शायद रोपवे है एकदम ऊपर तक लेके जाते हैं, लेकिन अभी कुछ चल तो नहीं रहा है, बंद पड़ा है इट सिम्स। लेकिन हाँ, ऊपर से व्यू बहुत अच्छा दिखता, तो चलिए पहले आगे चलते हैं और फिर पता करते हैं यहाँ पर कि अगर खुला है तो हम लोग जाएंगे। ये अभी हम लोग ऊपर रोहतांग पास की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से 43 किलोमीटर्स है, तो देखते हैं। व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है तो हम लोग चले जा रहे हैं, लेकिन लुक्स लाइक वहाँ पे एंट्री नहीं होगा, जाने नहीं देंगे, तो बट देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। अभी आगे अटल टनल भी होगा तो एक ट्राई देखते हैं अपना लक काम आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने रोक के फ़ोटो सेशन किया, इतना शानदार व्यू है, इतना शानदार व्यू है, बहुत मस्त है। अभी हम लोग ने कम से कम 15 मिनट हम लोग ने रुक के यहाँ पे फ़ोटो सेशन किया, वो फ़ोटोज़ आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगी। और अभी चलते हैं अटल टनल की ओर, देखते हैं वो लोग एंटर करने देते हैं कि नहीं। तो ये वाला व्यू था और इसको एन्जॉय करने के लिए हम लोग अभी यहाँ पर रुके थे, बहुत सुंदर है। सो मेरा इंट्यूशन सही था, मैंने कहा चलो चलते हैं, पूरे दिन घूमते हैं। बहुत लोगों ने बोला अटल टनल बंद है और अंदर जाने के लिए शायद आपको परमिशन लेना पड़ेगा, सो अभी यहाँ पर आए हम लोग और देखा अटल टनल के पास लंबी लाइन लगी हुई है, तो मैंने कहा लगता है यहाँ परमिशन हो रहा है, तो मैं यू टर्न लेने वाला था, मैंने कहा चलो आगे चेक कर लेते हैं। तो आगे चेक किया जाके वो कह रहे हैं 12 बजे ओपन होगा टनल, सो दे विल अलाउ अस, तो हम लोग जाके घूम काम के वापस आ सकते हैं। आपके पास जस्ट RT-PCR की एक रिपोर्ट होनी चाहिए, या फिर अगर ई पास है तो वेल एंड गुड, बिकॉज उसमें तो RT-PCR लगा ही था। सो जाते हैं, देखते हैं आगे तक अटल टनल के पार जाएंगे, थोड़ा सा उधर घूम घाम के फिर तो हम जिसपा और आसपास निकल सकते हैं, देखेंगे अगर किधर तक जा सकते हैं, कौन सा रास्ता सही है, और घूम के वापस आते हैं। सो आज का दिन निकल जाएगा अगर अटल टनल हमने पार कर लिया। सो अगर हम लोग ने अटल टनल पार कर लिया तो हम लोग का आज का दिन बढ़िया गुजरेगा, तो हम लोग दूसरी साइड में कीलोंग और जिसपा 2-3 जगह हैं, तो देखते हैं अगर कवर कर पाएंगे तो कर लेंगे, अदरवाइज़ थोड़ा घूमेंगे, वादियों का मज़ा लेंगे, ठंडी ठंडी हवाएं और बर्फ़ और
पीछे पिक्सी इंजॉय कर रही, हम भी इंजॉय कर रहे, पल्लवी तो बिल्कुल पागल हो गई है, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम, एक से एक फोटो, और यहाँ से लो ये एंगल लो, वो एंगल लो, मेरी तो हालत ख़राब हो गई बैठ के और एंगल ले लेके। बट एनीवेज इट्स रियली ब्यूटिफुल। अभी तक का नज़ारा मनाली से यहाँ अटल टनल तक का बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। सो मतलब आर डिसीजन वॉज राइट टू गो दिस टाइम। और कल का दिन हम लोग का मैरिज एनिवर्सरी है, सो हम लोग कल बिताएंगे, और उसके बाद 3 दिन का वर्क फ्रॉम माउंटेंस, 3 दिन काम करेंगे, और सैटरडे संडे में निकलेंगे थोड़ा और आगे, देखते हैं और आगे कहाँ जाते हैं, और वहाँ से काम कर पाते हैं नहीं कर पाते। सो फाइनली हम लोग अटल टनल क्रॉस करने जा रहे हैं। इतना सुना था एक साल से सब लोग, मतलब इतना ट्रेंड में है अटल टनल, तो फाइनली हम लोग भी, रोविंग कपल भी पहुंच गया है अटल टनल पे। ये अच्छा एक्चुअली सीजन है आने के लिए, क्योंकि रोड्स इतने ऑसम है, धूप है, बर्फ भी दिख रहा है, ग्रीनरी भी है, बारिश नहीं है, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप विंटर्स में आओ तो बर्फ के कारण गाड़ियाँ फिसलती है और रोड्स क्लोज रहते हैं, बट इस ये वाला टाइम ना बेस्ट है, मतलब समर सीजन, और बढ़िया लग रहा है, इतना सुंदर व्यू लग रहा है, इतना सुंदर व्यू है, मैं क्या बताऊँ। आप खुद आइए और खुद एंजॉय कीजिए। तो चलिए, अटल टनल खुल गया है और आपको लेके चलते हैं अटल टनल के अंदर, द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 feet। तो चलिए, तो यहाँ पे चेकिंग हो रही है, गाड़ियाँ सब लाइन पे लगा है, RT-PCR चेक कर रहे हैं, और ये देखिए मेरे पीछे अटल टनल, ये तो एक एक करके छोड़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं रिपोर्ट्स, और फिर जा रहे हैं। लेकिन आप व्यू देखिए, क्या मस्त व्यू है, फाइनली हम लोग अटल टनल के अंदर है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग को बस पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, तो बोले कि नॉर्थ कुछ तो बोले ना, नॉर्थ, तो वहाँ तक हम लोग को अलाउ किए हैं, मतलब वहाँ पे मैगी और नॉर्थ पॉइंट है करके, हाँ नॉर्थ पॉइंट, तो वहाँ तक हम लोग जाएंगे और फिर घूम फिर के वापस आ जाएंगे। सो फाइनली रोविंग कपल इज रोविंग थ्रू अटल टनल। हाँ, लेकिन हम लोग जिसपा और कीलोंग के लिए जो सोच रहे थे जाएंगे, नहीं जा सकते, कि ये आगे भी चेक पॉइंट है, वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। सो एनीवेज इट इज़ अ गुड जर्नी फॉर वन डे, तो मज़ा आ रहा है इसमें। सो टू वे ट्रैफिक है, गाड़ियाँ आ जा भी रही है, और ये हो गया हम लोग का अटल टनल, यहाँ पे ख़त्म। तो वही पूछना था, RT-PCR या खाली वो ये ई पास जरूरत है? ई पास आपको ले, इशू नहीं कर रहा, RT-PCR ले तो RT-PCR यहाँ से लेनी पड़ेगी। भैया तगड़ी वाली चेकिंग है यहाँ पर। तो ओवरऑल इन्होंने हम लोग का ई पास देखा और RT-PCR रिपोर्ट भी देखी कि वो वैलिड है कि नहीं है।
पहले पहले वाला अटल टनल वहाँ से गए थे, उन्होंने तो बस पूछा पाछा कि हाँ ठीक है सब कुछ आपके पास रिपोर्ट है आरटीपीसीआर ये, और उसके बाद अटल टनल में जाने दिया। उन्होंने कहा कि आप वापस अटल टनल के पार जाके वहाँ से घूम के वापस आ सकते हो। यहाँ से दूसरी साइड पे अटल टनल से आगे जाने के लिए काजा या फिर आपको चंद्रताल लेक जाना हो या फिर श्रीनगर या लेह, उसके लिए आपके पास प्रॉपर आरटीपीसीआर और होना चाहिए और ई पास। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर पूछा तो उन्होंने बोला कि ई पास अभी कोई इशू नहीं कर रहा है, आपके पास आरटीपीसीआर होनी चाहिए। तो मनाली से आरटीपीसीआर लेके आइए और आप चले जाइए। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग को अब मनाली में आरटीपीसीआर कराना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ से निकल पाएंगे। तो हम लोग की रायबरेली वाली जो रिपोर्ट थी वो चल गई, इसमें लिखा हुआ था 4 तारीख का, तो आज है हम लोग की 7 तारीख, राइट? तो 4, 5, 6, 7, तो हम लोग का 3 दिन चल गया। उन्होंने कहा यस ये आरटीपीसीआर वैलिड है, इस वजह से उन्होंने हमको छोड़ा यहाँ पर। ई पास से वो नहीं छोड़ते, ई पास क्योंकि केवल मनाली तक के लिए था। तो अगर आप लोग यहाँ पर आने का सोच रहे हो तो आरटीपीसीआर लेके ज़रूर आना, उसके बिना ये आगे नहीं जाने देंगे। अगर लेह लद्दाख भी जाना है आपको, आरटीपीसीआर मस्ट है। और अगर आप हिमाचल के अंदर एंटर कर रहे हो तो ई पास ज़रूरी है। तो आप अपना देख लीजिएगा, 72 आवर्स की रिपोर्ट होनी चाहिए यहाँ पर वैलिड होने के लिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा ब्यूटी का एंजॉयमेंट करते हैं, इन नज़ारों का मज़ा लेते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। और मेरा आइडिया सही था कि आज ही चलो रोहतांग पास, अगर कल हम लोग आते तो फिर आरटीपीसीआर वैलिड नहीं रहता और फिर से कराना पड़ता। पल्लवी तुम बहुत ही सही बोलती बहुत सही बोलती हो। सो पल्लवी का इंट्यूशन भी काम करता है कि चलो आज ही चलते हैं, पता चला कल आते हैं तो ना आरटीपीसीआर वैलिड होता ना कुछ, और ये नज़ारे हम लोग मिस कर देते हैं। क्या मस्त नज़ारे हैं भाई साहब। तो अभी फिर से हम लोग उतरे हैं गाड़ी से व्यू एंजॉय करने के लिए। आप ये देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू है। आप देख सकते हो वहाँ पे पानी बह रही है क्योंकि बर्फ़ गल रही है, क्योंकि गर्मी हो गई है तो बर्फ़ पिघल के पानी गिर रहा है। पर जो व्यू है ना वो ज़बरदस्त। आओ पिक्सी, आ इधर आओ, इधर आओ, आओ पिक्सी, उस तरफ वैली है, मत जाओ। सो अभी हम लोग रोहतांग और काजा वाला रोड पे है, वहाँ तक तो जा नहीं पाएंगे रोहतांग तक, बट थोड़ा दूरी जाके फिर यू टर्न ले लेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं और ये लुक्स लाइक लैंडस्लाइड वगैरह भी होता है इस रोड पे। आप देख सकते हो पत्थर गिरे हुए हैं। तो
तो अभी तो रोड अच्छी है, शायद आगे जाके रोड ख़राब हो सकती है। और साइड में ये नदी बह रही है, मैंने देखना पड़ेगा ये कौन सा नदी है। क्या मस्त झरना है और नीचे नदी। तो आगे चेक पोस्ट है, तो लुक्स लाइक आगे हम लोग को नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर यू टर्न कर लेंगे अगर रोक दिया तो। ये है कोक्सार। सो ओप्स, आगे ऊपर जाके रोड बंद है और यहाँ पे पुलिस चेक कर रहे हैं, तो हम लोग को यहीं से यू टर्न करना पड़ेगा। रोहतांग पास यहाँ से 21 किलोमीटर, और यहीं से मनाली भी आप जा सकते हो। तो चलिए कोई बात नहीं, यू टर्न ले लेते हैं। लुक्स लाइक नहीं मिला, इसलिए बड़ा अफसोस के साथ आ रहा है। क्या हुआ? अरे उधर मना है अभी, वो वन वे है, वैसे भी अलाउड नहीं है, सब बंद है। और नॉर्मल दिनों में लोग काजा जाते हैं, स्पीति तो बहुत दूर है इधर से, तो काजा का रास्ता है, और रोहतांग पास जाने के लिए मनाली से जाना पड़ेगा इधर से नहीं। ओके, सो यू टर्न लेते हैं, अटल टनल के अब उस साइड चलते हैं जिधर है कीलोंग उधर वेंचर करते हैं। चले फोन दो। पेट अंदर, तुम्हारा पेट नहीं हिलती कौन है। आप ये साहब, ये चारों मोबाइल देखिए, दो में एयरटेल पड़ा हुआ है नो सर्विस, ये है BSNL नो सर्विस, और ये जियो। जियो मस्त चल रहा है, जियो में कॉल भी हो रहा है, और देखिए LTE भी आ रहा है, VOLTE। तो काजा वाली रोड पे जो जो आगे मतलब अटल टनल से राइट साइड लेके काजा निकल जाती है, उस पर जियो अच्छा चलता है। ये तीनों मोबाइल बेकार हैं ना BSNL ना एयरटेल, जियो जिंदाबाद। तभी हम लोग जोमसा कैंप कोक्सर में हैं, इधर आर्मी का बेस कैंप है, और इधर पीछे साइड वहाँ पर चेक पोस्ट था, उन्होंने जाने नहीं दिया आगे, बोले कि इधर से अभी अलाउड नहीं है, कोई भी RT-PCR और पास नहीं चलेगा, वो अभी बंद हो रखा है। तो और इवन कह रहे हैं वन वे है, पतली सड़क है, रास्ते अच्छे नहीं हैं, और काजा तो बहुत दूर है। तो फिलहाल हम लोग वहाँ से यू टर्न ले लिया, हम लोग को तो बस ऐसे ही घूमना था। सो ये मोस्टली इंडियन आर्मी का बेस है, और हम लोग वापस आ रहे हैं यहाँ से। सो ये एरिया था कोक्सर, और जो 10,300 फीट पे है, और अभी हम लोग वापस टुवर्ड्स अटल टनल, और वहाँ से स्ट्रेट निकलेंगे कीलोंग वाले रास्ते पे, तो वहाँ देखते हैं कितनी दूर जा सकते हैं। वही हमारा रास्ता होगा लेह लद्दाख के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, हम लोग लेह लद्दाख जा रहे हैं। और जाने से पहले प्रिपरेशन क्या है,
वो सारा हमारा ट्रिप जो टूर ऑपरेटर है वो हमारा ट्रिप मैनेज करेगा. बट द ओनली थिंग इज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल. तो अप्रूवल जैसे ही आता है हम निकलेंगे, इसलिए 50-50 है, वी डोंट नो. तो चलिए चलते हैं. आगे है अटल टनल, अभी पहुंच गए हम लोग अटल टनल के में वापस. तो अभी हम लोग अंदर नहीं जाएंगे अटल टनल पे, स्ट्रेट जाएंगे टूवर्ड्स कीलोंग जो लेह लद्दाख के रोड पे है. और यहाँ पर सारे नेटवर्क आ गए. हाँ, यहाँ पे एयरटेल भी चल रहा है, BSNL भी चल रहा है और जियो तो चल ही रहा है. Pixie, your friends. Hey, Pixie, कौन है? Pixie, your friend. और ये देखिए अटल टनल, ये इतना विशाल पहाड़ है और उसको काट के बीच से टनल बनाया. तो अभी हम लोग सीसू पहुँचे हैं और यहाँ पे बहुत बढ़िया नज़ारा है, फुल ऑफ ग्रीनरी. आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे पीछे. ये देखिए ग्रीन बहुत मस्त लग रहा है. तो ये देखिए क्या बढ़िया रोड है, साइड में इतने सारे ग्रीन पेड़, बहुत खूबसूरत है, बहुत. सब लोग यहाँ पे आके फोटो खिंचा रहे हैं. तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं. हम लोग को अलाउ नहीं किया, पुलिस चेकिंग हो रही थी वहाँ पे. उन लोग को कीलोंग का बुकिंग चाहिए आगे जाने के लिए, और लेह लद्दाख जो भी जा रहे हो उनको अलाउ कर रहे हैं, बस RT-PCR रिपोर्ट चाहिए होगा वैलिड. तो चलिए अगर हम लोग जाते हैं ले तो सैटरडे मिलते हैं इसी रोड पर फिर से. पूरा एरिया एप्पल के ट्री से भरा पड़ा है, लेकिन छोटे छोटे एप्पल लगे हैं अभी. अभी एक दो महीना लगेगा शायद उसको पकने में, तब बड़ा ही अच्छा लगेगा. आई गेस लाल लाल दिखेंगे, लेकिन अभी तो सब ग्रीन है, तो सब कैमोफ्लेज हो रखा है पेड़ के अंदर.
हम पास में आपको एक दिखाते हैं, यहाँ जरा रोकना जरा। तो ये देखिए लगा हुआ है ना, और भी आपको दिखाते हैं, वो एक गुच्छा लगा हुआ है। चलो तो अभी हम ये छोटे से ब्रिज से जा रहे हैं। तो आगे जो आपने देखा वो ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था पहले, लेकिन गाड़ियाँ आ रही थी, बहुत थक गई मैं, क्योंकि मैं वो जो ब्रिज में दौड़ के गई फ़ोटो खींचने के लिए, मतलब गाड़ी का जो शॉट लेने के लिए। तो नहीं, उसमें तुम गेट भी नहीं खोल सकती थी, बैठने की जगह नहीं थी। हाँ, मतलब खोल नहीं सकती थी बैठने के। हाँ, इतना नैरो था, इतना नैरो वो ब्रिज था, और ब्रिज वो पूरा हिल रहा था। तो पहले तो मैं बोली कि कहाँ लेके जा रहे हो, फिर जब देखा कि उस तरफ से भी गाड़ी आ रही है, और भैया ने बोला, जो भैया वाले और वो, और एक भैया ने बोला कि ट्रक भी जाता है, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो फिर चले गए। तो एनीवेज, गुड एक्सपीरियंस। हैंगिंग ब्रिज में हम लोग खुद तो चढ़ते थे, लेकिन इस बार गाड़ी को भी चढ़ा के लेके आए। पूरा ऊपर नीचे हो रहा है। हम लोग ने दाल चावल खाया, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया, इंस्टाग्राम में स्टोरीज अपलोड किए, और उसके बाद मनीष अपना ऑफिस शुरू कर लिए। मेरा तो आज छुट्टी है 2 दिन, तो मैं तो फ्री हूँ। तो फिर मैंने घर में बात किया, थोड़ा गपशप किया, और फिर अभी मैं बाहर बैठी हूँ, व्यू को एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:30, और अभी भी रोशनी है, बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब अभी फुल अंधेरा नहीं हुआ है, रोशनी है, और बाहर बैठ के इतना मज़ा आ रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग पीसफुल। मैं गाना सुन रही थी, फिर वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ते खेल रहे हैं, ये सब देख के मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ। और मनीष अपने यहाँ कॉल ले रहे हैं, तो वो बिज़ी हैं अंदर, और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, बहुत सुंदर व्यू है। तो ये देखिए 7:30 PM, और ये वाला नज़ारा रूम से दिख रहा है। सो दिस इज़ लाइफ गाइस। और ऐसा, मतलब ऐसा मौका हम लोग को फर्स्ट टाइम मिला, आई थिंक सबको, बहुतों को फर्स्ट टाइम मिला है, तो इट्स गुड यार। मतलब माउंटेन्स में आके आप कहीं पे रेंट पे रहो, या फिर होम स्टे ले लो, या होटल ले लो, वहाँ पे एक वीक आप स्पेंड कर लो, आपको ऑफिस से छुट्टी भी नहीं लेना पड़ता है, और आप एंजॉय भी कर लेते हो, तो वीकेंड्स में आप घूमो फिरो, और फिर वीकडेज में काम करो। तो हम दोनों का ही जो ऑफिस टाइमिंग है वो 2 to 11 के बीच है, तो हम लोग तो मॉर्निंग आवर्स हम लोग का फ्री रहता है, तो अभी हम लोग मॉर्निंग में घूम सकते हैं इधर उधर जाके, फिर 2 बजे के पहले वापस आके फिर लॉग इन कर सकते हैं ऑफिस। सो यही वाला चल रहा है। ये देखिए, इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 ईयर हम लोग ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अभी का तो प्लान 1 वीक का है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मनीष का मूड है कि और थोड़ा सा एक्सटेंड करें। ही वॉज टेलिंग कि नहीं, हम लोग और भी दूसरे जगह पे जाके रुकेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी डिस्कस करना है कि नेक्स्ट वीक क्या करना है। हम लोग ने बस 6 डेज का बुकिंग किया है इस वाले होटल में, सो 10,000 समथिंग का कॉस्ट पड़ा है विथ ब्रेकफास्ट, और अगर आपको डिनर और लंच भी अगर आप इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो। उसमें वेज मिलता है थाली टाइप्स, तो उसमें दाल चावल रोटी और सब्जी सैलड ऐसा मिलता है, और आप अला कार्ट भी ले सकते हो। तो हम लोग ने बस ब्रेकफास्ट लिया, और डिनर और लंच
आज तो लंच हुआ ही नहीं, ऑलमोस्ट दाल चावल खा के रह गए। तो अभी देखते हैं कैसा जाता है अभी नेक्स्ट 4 to 5 days। तो ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मनीष का कॉल ख़त्म हो गया है और भूख भी अभी बहुत ज़ोर से लग रही है, तो हमने अभी डिनर ऑर्डर किया है। 9:30 बज रहा है, अभी जल्दी खा के सो जाएंगे और आज का दिन यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मनाली और अटल टनल और आसपास के जितने भी जगह हैं थोड़ा बहुत हम लोग ने ड्राइव थ्रू किया, तो आई होप आपको पसंद आया और आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ इस स्ट्रेस सिचुएशन में हमारा वीडियो देख के। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन, बाय बाय।